कहानी की शुरुआत में एरिक नाम का लड़का अपनी म्यूटेंट पावर का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ का जनरल सो एक सिक्का हिलाने को कहता है, लेकिन वह नहीं हिला पाता है। सो उसकी माँ को मार देता है और वह लड़का गुस्से में सभी लोखंड के चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। तभी दूसरी ओर चार्ल्स नाम का लड़का दिखाई देता है। मिस्टी उसके घर पर रूप बदल कर रहती है, लेकिन चार्ल्स अपने माइंड पावर की वजह से उसे पकड़ लेता है और फिर वह दोनों साथ रहते हैं। कुछ सालों बाद CIA की मोयरा नाम की लड़की को US के कर्नल पर शक होता है, तो वहाँ पर जाती है। सो भी वहीं पर होता है और वह एक म्यूटेंट है, अपनी एक टीम बना रहा है। CIA चार्ल्स की मदद लेता है। चार्ल्स एक टीम बनाने की बात करता है जिसका नाम Division X होता है और वहाँ अप्रूवल दे देते हैं। रात को चार्ल्स अपनी टीम के साथ सो के अड्डे पर जाता है, लेकिन ईमा फॉरेस्ट चार्ल्स के प्लान को नाकाम कर देती है। एरिक सो के पास पहुंचता है, लेकिन सो बहुत ताकतवर होता है और सो एरिक को पानी में फेंक देता है। यहाँ पर चार्ल्स और एरिक अपनी टीम को बड़ा करने के लिए बहुत सारे म्यूटेंट को ढूंढते हैं। सभी म्यूटेंट Division X में होते हैं और वहाँ पर सो आकर उनसे कहता है कि वह इंसानों से खास है। फिर कुछ म्यूटेंट सो के साथ हो जाते हैं। तभी चार्ल्स और एरिक आते हैं और बताते हैं कि सब कुछ तबाह हो गया है। उसके बाद चार्ल्स सबको अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर सबको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाता है। वहीं सो रसिया को अमेरिका पर हमला करने को कहता है, क्योंकि अमेरिका रसिया पर हमला करने वाला है। यह सब सो इसलिए करवाता है क्योंकि वह World War III करके सबको मार देना चाहता है। वहीं दूसरी ओर हैंक इंसान बनने का सीरम लेता है। तभी सीरम का साइड इफेक्ट से हैंक बीस्ट बन जाता है। सभी एक्समैन की टीम तैयार हो बीच पर जाते हैं उस लड़ाई को रोकने के लिए। तभी सो की टीम और चार्ल्स की टीम में लड़ाई हो जाती है। फिर मैग्नीटो सो को मार देता है। उसके बाद सभी म्यूटेंट पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। फिर मैग्नीटो मिसाइल को उनकी तरफ मोड़ देता है। फिर चार्ल्स मैग्नीटो को रोकता है और मोयरा मैग्नीटो पर गोली चलाने लगती है। उसमें से एक गोली चार्ल्स को लग जाता है, जिससे चार्ल्स खड़ा नहीं हो पाता है। यहाँ पर म्यूटेंट दो टीम में बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक टीम चार्ल्स और एक टीम मैग्नीटो की होती है। फिर चार्ल्स अपना एक स्कूल शुरू करता है और मोयरा को किस करके सब कुछ भुला देता है, जिससे वह किसी को कुछ बता नहीं पाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में मैग्नीटो ईमा फॉरेस्ट को लेने जाता है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाता है।